पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। स्कूल कॉलेजों से लेकर तमाम निजी संस्थानों तक तिरंगा शान से फहराया गया। मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया तो वहीं पुलिस लाइन में एसएसपी हेमराज मीणा ने तिरंगा फहराया। इसके बाद मुरादाबाद के महापौर कैंप कार्यालय पर भी मुरादाबाद महापौर विनोद अग्रवाल के द्वारा तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान का गायन किया गया। इस अवसर पर सभी ने देश प्रेम और देशभक्ति से ओतप्रोत भावनाओं को प्रकट किया। साथ ही सभी ने कहा कि देश की शान में हम सभी को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। इस अवसर पर महापौर विनोद अग्रवाल ने अपने वक्तव्य में बोलते हुए कहा कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और आज 76 वर्ष बीत चुके हैं। हम सभी को आजादी मिली है और देश को आगे बढ़ाने में हम सभी को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे चलना होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदमों को मजबूत करना होगा। में स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त महानगर वासियों को शुभकामनाएं। आजादी के इस पर्व पर नए भारत के निर्माण में युवा पीढ़ी को, महिलाओं को, सबको आगे बढ़कर अपना योगदान देने का संकल्प करना है। आओ भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपने विकसित भारत के लिए देशभक्ति विश्व के अंदर आज सबसे पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत स्थापित हुआ है। आगे अगले 5 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होने का संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। हमें आज से 76 साल पहले विभाजन की विभीषिका को नहीं भूलना चाहिए। हमारे लाखों भारतीयों ने अपने जीवन को बलिदान दे दिया, करोड़ों लोग बेघर हो गए केवल इस भारत माता के विभाजन में। भारत माता के जो 2 टुकड़े हुए थे उसको हमें नहीं भूलना है और अपनी युवा पीढ़ी को हमेशा याद दिलाना है कि किस तरह हमें आज़ादी मिली है, कितने संघर्ष के बाद कितनी माताओं की, बहनों की आबरू हमने दांव पे लगाई। आज भारत 2047 में जब 100 वर्ष पूरे करेगा तो उस समय चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, आज हमारे देश का अन्नदाता पूरी तरह भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सफल हुए। भारत के वैज्ञानिक आज चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरने जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे नौजवान दुनिया के अंदर अपनी योग्यता का परिचय दे रहे हैं। स्वास्थ्य के अंदर हमारे देश ने दुनिया को ये दिखा दिया कि कितनी बड़ी महामारी के बावजूद भारत ने इतने बड़े संकट को कितनी सहजता से अपने उस संकट को पार किया और दुनिया को दिखा दिया कि हमारे देश का नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति पर और एक कार्य करने की क्षमता के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सेनाएं देश के चारों तरफ पूरे भारत की रक्षा करने में सक्षम है। आज वो कश्मीर जहां कभी तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था, आज वहां पर डल लेक के अंदर आज तिरंगा लेकर आज वहां पर यात्राएं निकल रही हैं, पूरे उत्सव मनाए जा रहे हैं। आज लाल चौक पर लहराता हुआ तिरंगा भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है। आज महिलाएं, हमारे युवा खेल जगत में विश्व के अंदर अपना भारत का डंका बजा रहे हैं। तो आओ
संकल्प लें अपनी इस आजादी को अक्षुण रखने के लिए, अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी हर व्यक्ति संकल्प ले और भारत माता की अस्मिता को बनाए रखने के लिए कि कभी दोबारा ऐसा अवसर ना मिले कि 1947 जैसे कुछ लोगों के मंसूबे जो उस समय पूरे हुए थे, आज एक बार फिर कुछ लोग ऐसे मंसूबे बना रहे हैं, उनको कभी कामयाब नहीं होना है। भारत का बच्चा बच्चा अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की रक्षा करेगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।